महाराज गुरुजी, कल तो महाराज ने तेनाली राम को अक्लमंदी का तमगा पहना ही दिया। इसमें अक्लमंदी की तो कोई बात नहीं थी। उस सफीर ने जो ये तोहफा मांगा कि उसे ऐसी चीज दी जाए जो हर वक्त उसके साथ रहे, तो तेनाली राम ने उसे उसका साया दिखाकर कहा कि ये हमारा तोहफा है, ये हर वक्त आपके साथ रहेगा। इसमें अक्लमंदी की क्या बात थी, ये तो एक पहेली थी जो हम बचपन से बूझते आए हैं। बात तो ठीक है आपकी, और फिर उसका साया तो उसके साथ बचपन से ही है, तेनाली ने थोड़ा ही दिया। वही तो, इसी बात पर पता नहीं महाराज को क्या लगा कि तेनाली ने कोई खास बात कर दी और लगे उसकी तारीफ करने। मैं तो सोचता हूँ रक्षा मंत्री जी कि महाराज के मन में बस ये बात घर कर गई है कि जो बात वो कमबख्त कहता है, बस हर उस बात में अक्लमंदी छिपी होती है। लेकिन अब क्या करें, आप ठीक कहते हैं राजगुरु जी, मुकद्दर है उसका। रक्षा मंत्री जी, एक काम किया जाए। वो क्या? इस सवाल पर कल राज दरबार में बहस छिड़वा दी जाए कि असली अक्लमंदी क्या है और किस खासियत में है। हाँ, कि क्या फर्क है हाजिर जवाब में और अक्लमंद में है। क्या दूरंदेश आदमी अक्लमंद नहीं होते? बिल्कुल, कल राज दरबार में जरूर छेड़ेंगे ये मुद्दा। सबके ख्यालात सुन लिए हैं। मैं मानता हूं अकलमंदी चालाकी में भी होती है और दूर अंदेशी में भी और हाजिर जवाबी में भी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में कौन किस तरह का अकलमंद है, तो हम एक दिन इसका इम्तिहान रख लेते हैं। तो ये सारे मिलकर मेरा इम्तिहान दिलवाना चाहते थे। मुझे भी राजगुरु को लपेटना चाहिए। महाराज, मैं अक्लमंदी की एक खासियत भी जोड़ना चाहूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर बताओ, और किस सिफत में अक्लमंदी की जरूरत होती है? महाराज, दानिशमंदी में भी अक्लमंदी की जरूरत होती है महाराज। बेशक बेशक, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। हाँ, कौन आलिम है और कितना, इसका भी मुकाबला होना चाहिए। क्योंकि महाराज, हमारे दरबार में तो सबको पता है कि राजगुरु ही सबसे बड़े आलिम हैं। वरना वो राजगुरु कैसे बनते? अगर सिर्फ आलिम होना ही अक्लमंदी है, तो फिर तो राजगुरु ही सबसे ज्यादा अक्लमंद है। क्योंकि हमारा तो कोई भी दरबारी राजगुरु जी से इल्म में मुकाबला नहीं कर सकता। तेनालीराम, हम तुम्हारी बात का मतलब समझ रहे हैं। इल्म का इम्तिहान हम किसी और आलिम आचार्य से राजगुरु की बहस मुबाहिसा करवा कर परख लेंगे। तुम्हारा क्या समझदारी परखने के लिए भी आप बाहर से समझदार बुलवाएंगे? उसकी क्या जरूरत, दानिशमंद होने की बात और है, वैसे दिमाग की हाजिर जवाबी और समझदारी या चालाकी का इम्तिहान तो हम कोई भी नामुमकिन या पेचीदा मांग रखकर भी कर सकते हैं। तुम्हारा कब रखेंगे आप ये इम्तिहान? बहुत जल्द, हमें आसपास के आलिमों की
मसरूफियत के बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। अरे हाँ, राजकुमारी मोहनागी को आलिमों की बहुत जानकारी है। हम कल राज दरबार में ये बताएंगे कि ये इम्तिहान कब और किसके साथ होगा। अब क्या होगा राजगुरु जी, इस कमबख्त ने तो सीधे सीधे आपको ही लपेट लिया। अब समझ रहा हूं, इस कमबख्त ने जैसे ही कहा था कि एक आलिम भी अक्लमंद हो सकता है तो मैं ठनका जरूर था, मगर उसके ये कहने के बाद कि राजगुरु से कोई बड़ा आलिम नहीं है, मैं समझा था शायद वो हमारे आगे घुटने टेक रहा है। मगर कमबख्त ने एक तीर से दो शिकार कर डाले, फंसा दिया मुझे। लेकिन राजगुरु, इसमें फंसने की क्या बात है? नहीं, फंसने की क्या बात है, कोई फंसने की बात नहीं है। करवाले शास्त्रार्थ, क्या समझता है मुझे, मैं क्या हूँ? राजगुरु हूँ, विजयनगर का राजगुरु हूँ मैं। जो भी आएगा सामने पछाड़ के रख दूंगा उसको, सारी दानिशमंदी धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, इससे तो आपका कद और ऊंचा होगा और अकलमंदी का खिताब आपको मिल जाएगा। हाँ, फिर वो पछताएगा कि इल्म को अकलमंदी के दायरे में वो लाया ही क्यों। ये तो है। हाँ, इसे कहते हैं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। पिताश्री, आप किसी गहरी सोच में हैं, क्या बात है? हाँ, तुम आ गई मोहनागी बेटी, मैं तुमसे सलाह करने की सोच रहा था। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई पिताजी कि आपको मेरी सलाह की जरूरत पड़ गई? बात यह है कि दरबार में एक मुकाबले की तैयारी करनी है। कैसा मुकाबला पिताश्री? बेटी, दरबार के आला ओहदेदार ये जानना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे अकलमंद कौन है। पिताश्री, क्या इतनी सी बात के लिए मुकाबले की जरूरत पड़ गई? हम समझे नहीं बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? पिताश्री, क्या आप नहीं जानते कि आपके दरबार में कौन सबसे अकलमंद है? तुम ठीक कह रही हो बेटी, मगर जब दरबारी कोई ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं तो राजा को राजा की मर्यादा निभानी पड़ती है, ताकि कोई ये ना कहे कि राजा किसी की तरफदारी कर रहा है। पिताश्री, आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक बात बताइए, आप ये मुकाबला करवाएंगे कैसे? दरअसल कुछ दरबारियों ने ये कहा, मेरा मतलब कि वो कहना चाहते थे कि हाजिर जवाबी अकलमंदी में तो हो सकती है, मगर हाजिर जवाबी में अकलमंदी हो ये जरूरी नहीं। कुछ हद तक तो बात ठीक है। फिर ये ख्याल पेश किया गया कि दानिशमंद होने में समझदारी होती है। ये बात भी ठीक है, मगर वो विद्वान अकलमंद होता है जो अपनी सोच रखता हो, जिसका मुख्तलिफ मौजू पर अपना फलसफा हो, जो सोच कर तर्क देता हो, जिसे ये समझ हो कि क्या किसके लिए कितना ठीक है, हर पहलू पर सोच समझ कर जो नपी तुली राय देता हो। मुझे कई बार ये लगता है कि तुम भी एक फलसफा निगार हो। मुझे विद्वान लोगों की सोहबत अच्छी लगती है पिताश्री, उनकी बातें सुनना ही मेरा शौक है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं।
हाँ तो हमने फैसला किया है कि एक तो अपने दरबारियों का शास्त्रार्थ पर किसी बाहर के आलिम से मुकाबला करवाएंगे, ताकि उनकी बातों से, उनकी बहस से, उनकी सोच जो मुख्तलिफ शोबों पर है, उनमें अकलमंदी की मकदार कितनी है। मगर पिताश्री, ये तो अकलमंदी की एक पहेली है। अकलमंद तो कोई अनपढ़ भी हो सकता है। एक ऐसा अनपढ़ आदमी जिसकी सोच साफ हो, जिसमें विचारशीलता हो, हाजिर जवाबी हो, जो मसाइल का हल दूरअंदेशी से ढूंढ सकता हो। एक तालीम याफ्ता विद्वान से ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि ये सब सलाहियतें उसने अपनी सोच से जानी है, न कि किताबों से या फिर तकरीर से। बहुत खूब, बहुत खूब बेटी, हमें तुम पर नाज है। ये सब तो उसी माहौल की बदौलत है पिताश्री, जो आपने दिया है। तो फिर आपने क्या फैसला किया? हमारा फैसला भी तुम्हारी सोच से इत्तेफाक रखता है, इसीलिए हमने दो तरह के मुकाबले रखे हैं। एक में तो आलिमों के किसी मौजू को लेकर ख्याल इजहार होगा, और फिर जिस पर वे ताउबुन नहीं रखते उस पर बहस होगी। और दूसरा? दूसरा हम एक ऐसा काम करने को कहेंगे जो करने या हो पाने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। पिताश्री, दूसरा मुकाबला दिलचस्प होगा। मगर मुश्किल ये है बेटी कि अपने दरबार के दरबारियों की, यानी मोटे तौर पर राज गुरुजी के सामने किस आलिम को खड़ा करें। अरे पिताश्री, इस पूर्णिमा को वल्लभाचार्य जी विजयनगर आ रहे हैं, उन्हीं से मुकाबला करवा दीजिए राजगुरु जी का। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा रास्ता सुझाया तुमने, अब मेरी फिक्र खत्म हो गई। मुझे खुशी हुई पिताश्री। सबको ये बताते हुए मसर्रत हो रही है कि इस पूर्णमासी को वल्लभाचार्य जी पधार रहे हैं, और हमने फैसला किया है जो आलिमों के मुकाबले का ऐलान किया था वो हमारे दरबार के आलिमों का मुकाबला वल्लभाचार्य जी से होगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। जो इस मुकाबले में जीतेगा उसे अकलमंद दरबारी का खिताब और 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। फिर तो हमें पूर्णमासी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बात है राजगुरु, बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे रक्षा मंत्री जी, अब तुम भी मजाक उड़ाने लगे। अरे राजगुरु, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे उड़ाने लगा आपका मजाक? आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या? नहीं, क्या हुआ? होना क्या है, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, वल्लभाचार्य आ रहे हैं। हाँ वल्लभाचार्य, वो तो पूनम को आ रहे हैं ना, तो फिर? अरे जानते हो क्यों आ रहे हैं? वो मुकाबला जो है। अरे मुकाबला है ये तो तुम्हें पता है, लेकिन ये नहीं पता है तुम्हें कि कितने बड़े दानिशमंद हैं वो। सुना तो है, मगर राजगुरु जी आप भी तो कम नहीं। ठीक है, मुकाबला कांटे का होगा,
मगर जीतेंगे आप ही। अरे लगता है आपको ज्यादा मालूमात नहीं है उनके बारे में। अच्छा तो जरा बताइए क्या चीज है वो। सुनिए, आज के दिन में उनकी टक्कर के आचार्य इक्का दुक्का ही होंगे। पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है उन्होंने और जहां जहां गए हैं अपनी दानिशमंदी का लोहा मनवा कर लौटे हैं। अच्छा ओ। अरे तुम्हें नहीं मालूम, मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी उनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। राजगुरु जी फिर तो मुश्किल हो गई, अब क्या करें। यही तो मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से। लेकिन महाराज को वल्लभाचार्य का ख्याल कैसे आया। ये जरूर जरूर उसी कमबख्त की चाल है। तेनाली की चाल, अब वो बीच में कहां से आ गई। हाँ याद आया, महाराज ने तो कहा था कि वे राजकुमारी से बात करेंगे। अब आया तुम्हारी समझ में। क्या मतलब। राजकुमारी तो हमेशा उस कमबख्त की चाल में आ जाती है, बहुत मानती जो है उसकी बात। आज महल में तो उसका आना जाना लगा ही रहता है। खैर अब क्या किया जाए। रक्षा मंत्री जी, अगर मैं हार गया तो कालिख पुत जाएगी मेरे मुंह पर। नहीं राजगुरु, आप नहीं हारेंगे। नहीं हारूंगा, मगर कैसे। क्योंकि आप लड़ेंगे ही नहीं। क्या लड़ूंगा नहीं। मजाक कर रहे हो रक्षा मंत्री। अरे महाराज ने ऐलान कर दिया है कि मेरा मुकाबला तो वल्लभाचार्य से होकर रहेगा। राजगुरु जी क्या आदमी बीमार नहीं पड़ता। बीमार पड़ता तो है। फिर क्या, आप पूनम को बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ जाऊंगा, लेकिन क्या बहाना बनाऊंगा ये तो बताओ। ओ, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे लेकिन बताओ तो क्या कहेंगे आप। मैंने कहा ना राजगुरु जी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप तो आराम से घर पर बस लंबी तान के सोए रहिएगा। आप अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये ठीक रहेगा। राजगुरु जी आखिर दोस्त किस दिन काम आएंगे। अरे क्या बात है जी, किस सोच में हो। कल पूर्णमासी है। हाँ वो तो हर महीने आती है। मगर इस पूर्णमासी को हमारे दरबार में मुकाबला है। किस तरह का मुकाबला। शास्त्रार्थ पर, राजगुरु का और वल्लभाचार्य जी का। क्या कह रहे हैं, कहाँ वल्लभाचार्य जी और कहाँ राजगुरु। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि राजगुरु मुकाबले के लिए खड़े कैसे होंगे। अजी खड़े होने में क्या मुश्किल है। हाँ हारने के बाद बैठने में मुश्किल जरूर होगी। क्यों, क्या ख्याल है आपका। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों। मेरे ख्याल से राजगुरु मुकाबले में उतरेंगे ही नहीं। क्या बीमारी का बहाना लगाएंगे। बीमारी का बहाना तो मुश्किल है। वो क्यों। राजवैद्य उनके हमसाया जो हैं। फिर तो बीमारी का बहाना लगाना नामुमकिन है। तभी तो सोच रहा हूँ कैसे बचेगा राजगुरु। तक दिमाग 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 तक दिमाग